हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहां हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिकल प्रिपरेशन। और टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर लास्ट हेडिंग है हमारी सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग सारी चीजें कवर कर चुके हैं टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर। तो क्या होता है सपोजिटरी? सपोजिटरी हम सबको पता है, नहीं पता तो सिंपल सी बात बता दूं मैं। जो हमारी बॉडी में ओपनिंग्स हैं, छेद, नाक, कान, वेजाइनल होल, रेक्टल होल, है ना, रेक्टस, रेक्टम, जहां से पॉटी होती है। तो ऐसे होल जो हमारी बॉडी में बाहर की तरफ खुलते हैं, उन होल्स के अंदर कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी टैबलेट टाइप की वो रहता है, उसको इंसर्ट कर देंगे, या तो कान में डाल देंगे, नाक में डाल देंगे, और फिर वो मेडिसिन वहां जाके पिघल जाती है। पिघल करके वहां पर अपना फिर वो इफेक्ट दिखाती है। साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है पिघलने के बाद वहां से वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाए, ठीक है। बस वही होती है हमारी सपोजिटरीज। पेसरीज क्या होती हैं? कुछ खास नहीं। जब हम लोग मेडिसिन को वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो ऐसी सपोजिटरी को पेसरी कहा जाता है। क्लियर? तो यानी कि ओवरऑल सब कुछ क्या है, सपोजिटरी ही है। ओके, आओ देखते हैं। तो सपोजिटरीज क्या होती हैं? ये डराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से सपोनेर। इसका मतलब होता है टू प्लेस अंडर, किसी चीज के अंदर रखना है, कान के अंदर, नाक के अंदर, ठीक है ना। इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, हार्ड होती है टैबलेट की तरह, डेट इज इंसर्टेड, जिसको इंसर्ट किया जाता है, घुसाया जाता है इन टू द रेक्टम। जो रेक्टम में डाला जाता है उसे रेक्टल सपोजिटरी कहा जाता है, वजन में डाला जाएगा तो वेजाइनल सपोजिटरी कहा जाएगा, और इसी को हम लोग पेसरी भी कहते हैं। है सपोजिटरी बट नाम दे दिया गया पेसरी। क्लियर हो गया? पेसरी का मतलब हमको वेजाइनल सपोजिटरी चाहिए। ओके, यूरेथ्रा में डाला जाएगा तो यूरेथ्रल सपोजिटरी, जिसको हम बोगीज भी कहते हैं, ठीक है। तो सपोजिटरी में बोगी बोलेंगे मतलब समझ जाएगा यूरेथ्रल, सपोजिटरी में पेसरी बोलेंगे मतलब समझ जाएगा वेजाइनल। क्लियर है? वेयर इट डिजॉल्व, जहां पर ये डिजॉल्व हो जाती है रेक्टम में, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, और मेल्ट पिघल जाती है, एग्जर्ट लोकल इफेक्ट, एग्जर्ट करती है लोकल इफेक्ट और सिस्टेमिक इफेक्ट, वहां से वो ब्लड में भी जा सकती हैं। सपोजिटरीज आर यूज्ड टू डिलीवर मेडिकेशन दैट एक्ट बोथ सिस्टमैटिकली एंड लोकली। यानी कि सपोजिटरी आर यूज्ड टू डिलीवर मेडिकेशन, सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए सिस्टेमिकली। सिस्टेमिकली मतलब ब्लड के थ्रू भी हम लोग, यानी कि वहां पे खुलने के बाद धीरे से वो कहां होगा, कैपिलरीज में जा करके दवा डिजॉल्व हो जाती है, कैपिलरीज को क्रॉस कर जाएगी, या लोकली, या अपना आसपास में रहेगा, ब्लड में नहीं जाएगी। दोनों तरीके से ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है। कोका बटर, जिसको हम थियोब्रोमा ऑयल, बेटा वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लिसरोजेलेटिन इज यूज्ड एज बेस, इसका जो बेस है उसमें कोका बटर या थियोब्रोमा ऑयल, वन मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, तो मार्क कर लेंगे इसको। ओके, अब पेसरी क्या है, क्योंकि हमारे पास स्पेशल हेडिंग दे दी गई है पेसरी का भी, तो थोड़ा सा पेसरी को हम और समझ लें। पेसरीज आर टाइप्स ऑफ सपोजिटरी, पेसरी वह प्रकार की सपोजिटरी है जो बनी होती है इस्तेमाल करने के लिए वेजाइनल यूज के लिए। अगर वेजाइना में इंफेक्शन वगैरह हो रहा है तो हम वहां पर इसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके, द लार्जर साइज मोल्ड्स, मोल्ड्स होते हैं सांचे, खांचे, जिसके अंदर रख करके हम लोग सपोजिटरी बनाते हैं, आर यूजली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेसरीज, बड़े साइज के बनाए जाते हैं, ठीक है ना, एज 4 ग्राम एंड 8 ग्राम मोल्ड्स, है ना, 4 ग्राम, 8 ग्राम, काफी बड़ा हो जाता है साइज, काफी बड़ा साइज रहता है, इंसर्ट करने में आसानी रहती है, काफी मात्रा में दवाई जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, फंगल वगैरह, वहां उसको क्योर करने में आसानी रहती है। पेसरीज आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल मेडिकेशन, पेसरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लोकल इफेक्ट के लिए, मतलब कि वेजाइना में जाकर के जब पेसरीज डिजॉल्व होंगी तो वहां से वो मेडिसिन ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगी जाकर के, वो लोकल वहीं पर रहती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। द एक्सेप्शन बींग प्रोस्टाग्लैंडिन पेसरीज, कौन सा एक्सेप्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन पेसरीज जो है वो लोकल के साथ साथ सिस्टेमिक इफेक्ट भी दिखाएंगी। सिस्टेमिक मतलब समझ रहे ना बेटा, सिस्टेमिक मतलब ब्लड सर्कुलेशन, दैट डू एक्सर्ट अ सिस्टेमिक इफेक्ट, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन पेसरीज हैं ये सिस्टेमिक इफेक्ट भी दिखाती हैं। कॉमन इंग्रेडिएंट फॉर इंक्लूजन इन पेसरीज फॉर लोकल एक्शन, अगर लोकल एक्शन करवाना है पेसरी की हेल्प से तो क्या क्या होगा इसके अंदर, एंटीसेप्टिक होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स हो सकते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन होती हैं, लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है, वेरियस थेरेप्यूटिक एजेंट्स, कई सारे थेरेप्यूटिक एजेंट केमिकल हो सकते हैं, तो ट्रीट ट्राइकोमोनल बैक्टीरियल एंड मोनोलियल इन्फेक्शन,
ठीक है ना। तो तीन तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल या फंगल, जो वजाइना में जाकर के इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं, थेरेपेटिक एजेंट होते हैं, वो उसके अंदर हो सकते हैं। तो सिंपल है, ये तो सिंपल सी बात है, हम सबको ये बात पता है। अब एक बात क्लियर होगी, दिमाग में सेट होगी, सपोजिटरीज क्या है, पेसरीज क्या है, सेट है, क्लियर हो गया। बस अब फटाफट हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज वगैरह ये पढ़ लेते हैं। तो यूज सपोजिटरी के यूज की बात करें, सपोजिटरीज आर ग्रेट फॉर पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज वगैरह रहती है, ठीक है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लग्जेटिव सपोजिटरीज लाइक बीसाकोडल सपोजिटरी, मतलब सीधा क्या होता है, रेक्टम में इंसर्ट कर दिया जाता है। ग्लिसरीन सपोजिटरीज, यानी कि जिन लोगों को कई बार तुम लोग देखा होगा पॉटी बहुत टाइट आ रही है या निकल नहीं पा रही है, तो ये पेसरीज ग्लिसरीन सपोजिटरी इंसर्ट कर दी जाती है, वो एक तरह का म्यूकस लिक्विड क्रिएट करती है, उससे पॉटी इजिली बाहर निकल पाती है। रेक्टल सपोजिटरीज आर वेरी यूजफुल फॉर हेमरॉइड्स, जिनको पाइल्स है, हेमरॉइड मतलब पाइल्स, और जो भगंदर वगैरह या हेमरॉइड हम यूं कह लें, जो मस्से टाइप के हो रहे हैं अपने रेक्टम, है ना, पॉटी के रास्ते में, तो उस केस में हम मेडिसिन खा के पेट में जाएगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, नहीं, हम सीधा सपोजिटरी को इंसर्ट कर देंगे तो वो उस एरिया में जाके उनके ऊपर असर दिखाना स्टार्ट कर देगी। इट रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट, तो इससे क्या होता है, सूजन होती है और डिस्कम्फर्ट, जो दिक्कत हो रही होती है, उसमें आराम मिल जाता है। वेजाइनल एंड यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर ग्रेट फॉर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना, वेजाइना यूरेथ्रा में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए सपोजिटरी बहुत अच्छी रहती है। इन द वेजाइना एंड यूरेथ्रा क्लोट्राइमाजोल मिकोनाजोल एटसेट्रा आर यूज एज ए ड्रग, जो सपोजिटरीज बनाई जाती हैं वेजाइना के लिए, यूरेथ्रा के लिए, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, क्लोट्राइमाजोल मिकोनाजोल, मेन ये दो ड्रग है और भी बहुत सारी होती है, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सपोजिटरी का यूज कॉन्स्टिपेशन में हो गया, हेमरॉइड्स हो गया, पाइल्स में हो गया, या फंगल इन्फेक्शन जो वजाइना या यूरेथ्रा में हो रहा है वहां हो जाएगा। ओके, एडवांटेज ऑफ सपोजिटरी, क्या क्या इसके फायदे हैं, आओ देखें। इट इज इजी टू यूज, यूज करना आसान है फॉर दोज पेशेंट हु आर अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशन, अगर ऐसी स्थिति है कि कोई खाना गोली नहीं खा सकता है तो हम सपोजिटरी के थ्रू उस मेडिसिन को ब्लड में पहुंचाते हैं। लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट या चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं या अनकॉन्शियस, जो बेहोश है, जिनको होश नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सपोजिटरी बहुत बेटर है। डज नॉट कॉज नॉइजिया एंड वॉमिटिंग, जब कुछ दवा खाते हैं तो कड़वी लगती है तो नॉइजिया या जी मिचला सकता है या उल्टी हो सकती है, इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू गैस्ट्रिक इरिटेशन, दवा पेट में जाती है, जलन वगैरह मचती है तो कई बार जी मिचलाता, उल्टी हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। वेरी यूजफुल टू गेट लोकल इफेक्ट, अगर हमें केवल लोकल इफेक्ट चाहिए, केवल उसी हिस्से में, हम नहीं चाहते पूरी बॉडी पर असर आए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये, ये एडवांटेज है। इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसका हम पहले जिक्र कर चुका हूं कि हम लोग जब कोई दवा खाते हैं तो लीवर कुछ दवा को डिसइंटीग्रेट कर देता है, तोड़ देता है, तो ये दवाइयां उस प्रोसेस से बच जाती है, 100% हमारी बॉडी में पहुंचती हैं। इट प्रोवाइड रैपिड एक्शन, बहुत जल्दी असर होता है। बेनिफिशियल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर वॉमिटिंग, इनको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर में कुछ भी खा लो उल्टी हो जाती है, तो दवाई काम ही नहीं करेगी, उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ओरल इनटेक रेस्ट्रिक्टेड बिफोर सर्जरी, सर्जरी जब होती है उससे पहले कुछ भी खाने पीने के लिए मनाही होती है, इवन दवाई भी नहीं खानी होती है कई बार, तो उस केस में हम लोग सपोजिटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैन बी यूज एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहां पर टारगेट है, एक तरह से जिस साइट पे हम लोग को असर पहुंचाना है डायरेक्ट, वहीं पे हम लोग को इसकी हेल्प से इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। लोकलाइज्ड एक्शन विद रिड्यूस सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन क्या रहता है इसका, लोकलाइज्ड, वहीं का वहीं रहेगा, और रिड्यूस सिस्टेमिक, ब्लड के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर दवा जाएगी, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। गेट टू द साइट ऑफ एक्शन विद लोअर डोज रिड्यूसिंग सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, गेट टू द साइट ऑफ एक्शन, सीधा सीधा जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पे जाता है इसका असर, लोअर डोज, डोज कम हो जाती है जिसकी वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, यानी कि ब्लड में अंदर ब्लड में जाकर के जो टॉक्सिसिटी होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। हाईली बेनिफिशियल इन हेमरॉइड्स एंड वेजाइनल इन्फेक्शन, ये पहले पढ़ चुके हैं। प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन अचीव, काफी लंबे समय तक दवा का असर रहता है। बेस्ट फॉर वेजाइनल रेक्टम फंगल इन्फेक्शन, अगर वेजाइनल या रेक्टम का फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। कन्वीनियंट फॉर दोज ड्रग कॉज जीआईटी इरिटेशन, अगर कोई ऐसी दवा है जो पेट में जाके जलन वगैरह पैदा कर सकती है तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी दवा है जो नॉइजिया, वॉमिटिंग या
डिस्ट्रॉयड बाय हेपेटिक सर्कुलेशन यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से खराब हो सकती है, या स्टमक के पीएच की वजह से खराब हो सकती है, या वहां मौजूद एंजाइम की वजह से खराब हो सकती है। तो ऐसी दवाओं को हम लोग सपोजिटरी की तरह बॉडी के अंदर इंसर्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या, अब थोड़ा सा सपोजिटरी बता दूं मैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है। ओके, ये देखो सपोजिटरी कुछ ऐसी होती है, ये री टैबलेट, तो थोड़ा सा और इजी अब आसान लगेगा समझना। इस टाइप की ये रहती है टैबलेट। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं फार्मासिस्ट से तुमको पता भी होना चाहिए, लेने से पहले हमेशा हैंड को वॉश करें, फिर इसको खोलें, और जो पेशेंट होगा वो लेट जाएगा जब रेक्टम में डालेंगे, ठीक है ना, और फिंगर की ग्लव्स पहन करके फिंगर की हेल्प से, ये रेक्टम है, एक फिंगर से इस सपोजिटरी को अंदर इंसर्ट कर देंगे। पहुंच गई सपोजिटरी हमारी यहां पर, अब यहां से डिसॉल्व होकर के ब्लड में जाएगी, ब्लड में जानी होगी या लोकल इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सपोजिटरी को इंसर्ट कर दिया, ये देख रहे हैं हम लोग किस तरह से रेक्टम के अंदर ये इंसर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और हमारा फिर ये जो सपोजिटरी है डिसॉल्व होकर अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है। देखो यहां पर एक वो भी लिया हुआ है, डाइक्लोफेनेक सबने सुना होगा, तो डाइक्लोफेनेक सोडियम सपोजिटरी है ना, दर्द निवारक जो होती है, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ये धीरे धीरे हमारी ब्लड में घुल जाएगी और बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा होगा तो हमको राहत देता है। क्लियर है, अब सपोजिटरी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पढ़ें डिसएडवांटेज। ओके, इट कैन कॉज इरिटेशन इन सब पेशेंट, इरिटेशन हो सकता है भाई जहां पे हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं वेजाइना में या रेक्टम में, तो वहां जाके इरिटेशन हो सकती है। सम पेशेंट्स फील एम्बेरेस्ड, पेशेंट कॉम्प्लेंस यानी कि भाई जिस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं ना रेक्टम में डाल के, अब किसी को न्यूड होने में, नंगा होने में प्रॉब्लम है, भाई डॉक्टर डालेगा या कोई नर्स डालेगा या कोई फार्मासिस्ट डालेगा, तो उसको क्या है, पेशेंट को दिक्कत है, भाई मैं नंगा हो रहा हूँ, कोई और रेक्टम में उंगली डाल करके उसको डाल रहा है करके, तो कुछ लोगों को एम्ब्रेस शर्मिंदगी सी लगती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। प्रिपरेशन इज कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू लिक्विड एंड टैबलेट, लिक्विड और टैबलेट से कंपेयर किया जाए तो इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा पेचीदा होता है। नीड लो टेम्परेचर टू स्टोर, हमारी बॉडी टेम्परेचर मिलते यानी 37 डिग्री मिलेगा तो पिघल जाती है फिर ये, क्योंकि पिघलेगी तभी इसकी दवा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर पर ये स्टोर नहीं होंगी। वेरी फ्यू ड्रग्स कैन बी डिलीवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, सभी दवाएं इस तरीके से हम डिलीवर यानी कि बना करके पेशेंट को नहीं दे सकते, कुछ ही दवाइयां दी जा सकती हैं। एरेटिक एंड अनडिजायर्ड एब्जॉर्प्शन, कई बार क्या होता है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, गलत हो सकता है या जितना सोच रहे उतना नहीं हो रहा है, अनडिजायर्ड। इंस्टॉलेशन में ट्रिगर डिफेकेशन रिएक्शन यानी कि जिस समय हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं है ना रेक्टम के अंदर, कोई दूसरा इंस्टॉल कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपको डिफेकेशन पॉटी आ जाए। डायरिया है या डिजीज स्टेट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, डायरिया है या कोई और तरह की बीमारी है कई बार एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है यानी कि रेक्टम से उतना अच्छी मात्रा में दवा एब्जॉर्ब नहीं होती है। कॉस्ट एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा पड़ता ही है ये मेडिसिन। एब्जॉर्बिंग सर्फेस एरिया ऑफ द रेक्टम इज मच स्मॉलर देन डेट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्फेस एरिया बहुत बड़ा है तो बहुत अच्छे से दवाई एब्जॉर्ब होती है कंपेयर टू रेक्टम। फ्लूइड कंटेंट ऑफ द रेक्टम इज मच लेस देन डेट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी होता है काफी ज्यादा मात्रा में तो गोली खुल जाती है आसानी से, लेकिन रेक्टम में उतनी मात्रा में लिक्विड नहीं है। दिस में अफेक्ट डिसोल्यूशन रेट, इससे क्या है डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट कर जाएगा। सम ड्रग मे बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम, हमारे रेक्टम में जो माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसकी वजह से इसको क्या कर देते हैं, वो माइक्रोब से डिग्रेड कर देंगे, उस दवाई को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, बेकार कर देते हैं। ड्रग विद नैरो थेरोपेटिक मार्जिन मे कॉज टॉक्सिसिटी, जिसका थेरोपेटिक मार्जिन काफी कम है ना, थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो टॉक्सिक क्रिएट कर सकती है, तो वो टॉक्सिसिटी फैला सकती है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो अब तुम लोग मेरे ख्याल से हमने इतना ज्यादा कर लिया है हर किसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उम्मीद है कि अब मन से बना के लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अरे बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोलो, गुड, लिख सकते हो, सुन रहा हूं मैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि नहीं सर अभी हम नहीं लिख पाएंगे, समझ में कम आ रहा है, कोई बात नहीं, रिपीट करें, और जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सुन लिया मैंने, सुन लिया है कि लिख लोगे, बातें समझ में आ गई हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, बस एक जड़ पकड़ लो कि अच्छा ये चीज़ है इसके, तो ये सारे एडवांटेज हो सकते हैं, ये सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, हमें किसी से कंपेयर करके बताना, जैसे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, टैबलेट से और लिक्विड से कंपेयर कर देंगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज इस प्रकार आ जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर है,
आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी, क्लासिफाई कर दें तो हम इसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फाइव टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रेक्टल, अगर रेक्टम से देंगे, वेजाइना से देंगे तो वेजाइनल, जिसको हम पेसरी भी कहते हैं, यूरिथ्रल से देंगे, यूरिथ्रा में देंगे तो बोगिस भी कहते हैं, नाक से देंगे तो उसे बुगिनेरिया भी कहते हैं, ईयर से देंगे तो ऑरिनेरिया भी कहते हैं। तो कान से दे रहे हैं तो ईयर सपोजिटरी, नाक से दे रहे हैं तो नेसल सपोजिटरी, यूरिथ्रा से दे रहे हैं तो यूरिथ्रल सपोजिटरी, वेजाइना से दे रहे हैं तो वेजाइनल सपोजिटरी, रेक्टल से दे रहे हैं तो रेक्टल सपोजिटरी। हो गया, याद भी हो गया होगा, गुड। तो रेक्टल सपोजिटरी फॉर एडल्ट वेस्ट 2 ग्राम, ये लगभग 2 ग्राम की होती है एंड आर टॉर्पीडो शेप। टॉर्पीडो मतलब देखा था, इस टाइप से जो नहीं अपना गोली होती, बुलेट होती, टॉर्पीडो, इसको कहते हैं टॉर्पीडो शेप, ठीक है। चिल्ड्रन सपोजिटरी वे अबाउट 1 ग्राम, जो बच्चों के लिए होती है वो लगभग 1 ग्राम की होती है। वजाना की बात कर लें, वेजाइनल सपोजिटरीज और पेसरीज वेज अबाउट 3 to 5 ग्राम, ये लगभग 3 से 5 ग्राम की होती है एंड आर मोल्डेड इन ग्लोब्यूलर और ओवी फॉर्म शेप, यानी कि इसका शेप कैसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा, और कंप्रेस्ड ऑन ए टैबलेट प्रेस इनटू कॉनिकल शेप, या इसको हम लोग कॉनिकल शेप में इस टाइप से दे सकते हैं। यूरेथ्रल दे आर ऑल्सो कॉल्ड बोगीस एंड आर पेंसिल शेप, किस शेप की होती है, पेंसिल शेप की होती है, जैसे हमारी पेंसिल होती है, ठीक है ना। दोस इंटेंडेड फॉर मेल्स वेज 4 ग्राम, अगर मेल को देनी तो लगभग 4 ग्राम की होती है ईच एंड आर 100 to 150 mg लॉन्ग, है ना। सारी की सारी 4 ग्राम होंगे, लगभग 100 से 150 mm लंबी होंगी, ठीक है। दोस फॉर फीमेल्स आर 2 ग्राम ईच एंड 60 से 75 mm इन लेंथ होती है, ठीक है। यूरेथ्रल जो पार्ट होता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा अपना होता है मेल से थोड़ा सा उसका ज़्यादा रहता है, तो उस केस में लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसको लेंथ ज़्यादा रहती है, इनकी लेंथ कम रहती है। नाउ नेजल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेजल बोगीज और ब्यूगिनेरिया, मीन्ड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द नेजल कैविटी, नाक में डालने के लिए। दे आर प्रिपेयर्ड विद ग्लिसरो जेलेटिन बेस, ग्लिसरीन और जेलेटिन बेस में तैयार की जाती हैं। दे वे अबाउट 1 ग्राम एंड लेंथ 9 से 10 cm, ठीक है ना। इनका वेट कितना होता है, 1 ग्राम होता है, और लेंथ कितनी होती है, 9 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। आगे आते हैं ईयर सपोजिटरीज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑरिनेरिया एंड मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू ईयर, रेयरली यूज्ड, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। थियोब्रोमा ऑयल इज यूज्ड एज बेस, थियोब्रोमा ऑयल का इस्तेमाल होता है बेस के तौर पर। प्रिपेयर्ड इन यूरेथ्रल बोगीज माउल्ड एंड कट अकॉर्डिंग टू साइज, जो यूरेथ्रल बोगीज के माउल्ड सांचे होते हैं उसी में इसको तैयार करते हैं और साइज के अकॉर्डिंग इसको फिर हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक दो दो लाइन लिख दो, अदरवाइज ये 4-5 पॉइंट हो गए। पहला तरीका हमने कैसे इसको क्लासीफाई किया, किस रूट से हम लोग इसको बॉडी में ले रहे हैं, हमने इसे क्लासीफाई कर लिया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सपोजिटरी अकॉर्डिंग डोजेस फॉर्म, डोज के रूप में अगर हम देखें तो 4 टाइप से कर सकते हैं। टैबलेट सपोजिटरी, अगर टैबलेट के रूप में, टैबलेट सपोजिटरीज आर प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक टैबलेट इन द कंप्रेशन मेथड, इट इज यूज्ड फॉर द रेक्टल एंड वेजाइनल रूट, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था अभी। तो टैबलेट, ठीक है, रेक्टम में से इंसर्ट कर दिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो टैबलेट लेयर्ड सपोजिटरीज, लेयर में कई सारी परतें होती हैं। लेयर सपोजिटरीज आर मेड विद डिफरेंट ड्रग्स इन डिफरेंट लेयर टू अवॉइड इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन दोज ड्रग्स, अगर दो ड्रग के बीच में आपस में मिलाने पर कोई दिक्कत हो सकती है तो दो अलग अलग लेयर तैयार कर लेंगे और उसे जोड़ देते हैं, एक लेयर अलग, नीचे की लेयर अलग, ठीक है। कोटेड सपोजिटरीज, जिसके ऊपर कोटिंग होगी, कोटेड सपोजिटरीज मेड विद फ्री अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एटसेट्रा फॉर देयर स्मूथ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, जिससे वो इजिली इंसर्ट हो जाए, लुब्रिकेट रहे। कैप्सूल सपोजिटरी, कैप्सूल के शेप में होंगे, जैसे अपने कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल सपोजिटरीज आर मेड विद सॉफ्ट जेलेटिन इन वेरियस साइजेस एंड शेप, इट फिल्ड विद सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड ड्रग्स, और इसके अंदर सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड ड्रग भरा होता है, ठीक है। तो कैप्सूल के शेप की सपोजिटरी होगी, ठीक है ना, जैसे क्या, क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल सॉफ्ट जेल वेजाइनल सपोजिटरी, कैप्सूल शेप में है ये, ठीक है। तो डोज किस प्रकार की है, कोटेड, कैप्सूल, लेयर्ड, है ना, जैसे अपना टैबलेट हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहां पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, 1, 2, ठीक है, ये 2 टाइप से हमने क्लासिफाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सपोजिटरी के बेसिस, तो बेस लगभग सब में एक ही तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो बेस क्या होते हैं? बेस आर दोज मटेरियल दैट मेंटेन देयर शेप एंड सॉलिडिटी, जैसे क्रीम ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल हम कर रहे थे बेस का, तो ये क्या है, इसके शेप और सॉलिडिटी को मेंटेन करके रखेंगे, सॉलिड बना के रखेंगे, उसके शेप को मेंटेन करके रखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बेसिस लाइक थियोब्रोमा ऑयल, ग्लिसरोजेलेटिन बेस, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ कई प्रकार के बेस पाए जाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना ये क्या बनाते हैं, सपोजिटरी को बना के तैयार करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सपोजिटरी के बेस की बात करें तो ऑयलिजिनस बेस या ऑयली बेसिस, एग्जाम्पल में कोका बटर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, हाइड्रोफिलिक बेस यानी कि जो पानी में घुल जाएंगे इजिली, या वाटर सोल्युबल बेसिस, जेलेटिन बेसिस, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेसिस जो हम लोग आर्टिफिशियल तैयार करते हैं, विट्सपॉल है, मासा एस्ट्रेनियम है, और मैसोपॉल है या मैसोपोल करके इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो बेस के टाइप्स हो गई है। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होता है, इरिटेंट नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तमाम वही सब बातें यहां लिख देंगे। इट शुड बी नॉन इरिटेंट, नॉन रिएक्टिव, इसको बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना है, क्योंकि जैसी बॉडी टेम्परेचर मिलेगा इसे पिघल जाना है जिससे कि मेडिसिन बॉडी में पहुंच जाए, ये एक मार्क करेंगे इसे। इट मस्ट मेंटेन द प्रॉपर शेप एंड साइज, सपोजिटरी का शेप और साइज को मेंटेन रखने की क्षमता होनी चाहिए इसके अंदर। इट शुड बी स्टेबल इन स्टोरेज कंडीशन, जो स्टोरेज कंडीशन हम इसके देंगे उसमें ये स्टेबल होना चाहिए। इट शुड श्रिंक सफिशियंटली टू रिमूव मोल्ड, इसको इतना श्रिंक हो जाना चाहिए कि जब इसे खांचे से बाहर निकालें तो इजिली निकल आए, चिपके ना उसमें। इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, जो ड्रग इसके अंदर डालेंगे हम लोग, जो कि जहां पे हमें इसे पहुंचानी है ड्रग को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिघलने के बाद ये ड्रग को रिलीज ना करे अपने अंदर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो देखो आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब कॉमन से चीजें हैं, बना के थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो समझ जाओगे, और फिर याद करने की जरूरत नहीं है, हम मन से बना के लिख सकते हैं। सब में आइडियल प्रॉपर्टी और बेस ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहती है। ठीक है ना, नॉन इरिटेंट, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट। ठीक है ना, यहां पर जरूर कहेंगे हम लोग कि ये एक अलग से स्पेशल आ गया, प्रॉपर शेप और साइज मेंटेन रखना है, ठीक है, स्टेबल रहेगा, श्रिंक, ये एक यहाँ के लिए स्पेशल हो जाएगा कि इसके लिए सपोजिटरी के लिए, अदरवाइज बाकी सारे क्या कॉमन है, वहां से उठा के भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से उठा के हम वहां पे लिख सकते हैं, कुछ एक दो थोड़े से अलग अलग होंगे वरना बाद बाकी सारे कॉमन मिल जाएंगे। क्लियर है। प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे सपोजिटरी की, तो हैंड मोल्ड मेथड और हैंड रोलिंग मेथड, हाथ से बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, कंप्रेशन मोल्ड मेथड, मशीन की हेल्प से कंप्रेस करके बना लेंगे। फ्यूजन मेल्ट मोल्ड मेथड, पिघला करके बना लेंगे। ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड, जो ऑटोमेटिक मशीन आती है उसकी हेल्प से बना लेंगे। ठीक है ना, तो हैंड मोल्ड, मोल्ड मतलब मोल्ड करते हैं ना, जैसे हम लोग वो बनाते हैं अपने लोई वगैरह बनाते हैं, ठीक है, आटे की। हैंड रोलिंग, हाथ से रोल कर रहे हैं इस तरीके से, रोल कर करके बना रहे हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ईजिएस्ट मेथड, ये सबसे पुराना और आसान तरीका है सपोजिटरी प्रिपरेशन का। इन दिस टाइप ऑफ मेथड द मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड सपोजिटरी बेसिस आर मिक्स टूगेदर, ड्रग को सपोजिटरी को आपस में मिला लिया, गाढ़ा गाढ़ा जैसे लोई बनाते हैं ना हम लोग, इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा कर लेंगे। ठीक है, एंड रोल्ड, ठीक है, एंड रोल्ड बाय हैंड टू प्रोवाइड द शेप, और हाथ से फिर हम उसे ऐसे ऐसे रोल करते हैं ताकि उसे शेप दे दें। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड नाउ, अब इस्तेमाल नहीं होता, जाहिर सी बात है अब मशीन आ गई है, बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड क्वाइट डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल है, हाथ से मिलाओ फिर बनाओ और साथ साथ में टाइम बहुत खाता है। नाउ कंप्रेशन मेथड, कोल्ड कंप्रेशन मेथड, ठीक है, द कोल्ड कंप्रेशन मेथड इज वेरी पॉपुलर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग सपोजिटरी, सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। दिस मेथड इज हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इन दिस मेथड यहां होना चाहिए, इन दिस मेथड हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हीटिंग की जरूरत हमें नहीं होती है, दैट्स वाई इट्स एप्लीकेबल फॉर थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल ड्रग, जो ड्रग इनसॉल्युबल है और थर्मोलेबाइल मतलब हीट से जो खराब हो सकते हैं, क्योंकि यहां हीटिंग तो करनी नहीं है, तो उनके लिए ये जो तरीका होता है बेस्ट होता है। द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड विद सपोजिटरी बेस, इंग्रेडिएंट और सपोजिटरी बेस को मिक्स कर लेते हैं। देन द प्रिपेयर्ड मास इज प्लेस्ड पावर ऑपरेटेड कंप्रेसर मशीन, फिर उसके बाद सीधा उसे जो पावर से बिजली से चलने वाली कंप्रेसिंग मशीन है उसमें डाल देते हैं। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर एनी बेस इन विच मेल्टिंग इज इसेंशियल, ये उस किसी भी प्रकार के बेस के लिए सुटेबल नहीं है जहां पे हमें पहले बेस को मेल्ट करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जहां पे हमें बेस को मेल्ट करना है उस कंडीशन में ये मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर एनी बेस इन विच मेल्टिंग इज इसेंशियल, जहां पे मेल्टिंग इसेंशियल है। ठीक है ना, जैसे कि ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस, यहां पे एग्जांपल दे दिया है,
क्लियर हो गया। कोल्ड मतलब यहां पे हीट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। फ्यूजन और मेल्ट मोल्ड मेथड, यहां हमें हीट करेंगे, दिस इज कॉल्ड हीट मेथड। इन दिस टाइप ऑफ मेथड द ड्रग इज डिस्पर्स्ड इनटू द सपोजिटरी बेस, बेस में डाल देंगे उसे, ठीक है। बिफोर मोल्डिंग द मोल्ड इज लुब्रिकेटेड प्रॉपरली, जो सांचे होते हैं उसमें तेल वेल लगा के ऑयल लगा करके उसे लुब्रिकेट कर लेंगे। देन द हॉट मिक्सचर ऑफ द सपोजिटरी बेस, जो पिघला करके हमने पानी जैसा बना लिया है ना, उसको सांचों में डालेंगे, इस पोर्ड कुरो देंगे खांचों में, मतलब जैसे मान लो खांचे बने हुए इस टाइप से, तो जो लिक्विड है यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां पे इस तरीके से, ठीक है ना, भर जाएगा, फिर जैसे ठंडा होगा सॉलिड हो जाएगा। पोर्ड इंटू द मोल्ड, मोल्ड में खांचों में कुरो दिया है, एंड कूल्ड इंटू द आइस बाथ, और फिर उसे आइस बाथ में रख देंगे, ठंडे हो जाते हैं। देन द सपोजिटरीज आर रिमूव्ड, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, तो इसके अंदर से सपोजिटरी को रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड मतलब खांचा बता चुका हूं मैं, सांचे जो होते हैं। देन द एक्सेस मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, और जो फालतू का मटेरियल इसके अंदर बच जाता है उसको हटा करके हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सपोजिटरी मोल्ड की हम बात करें, देखो कुछ इस प्रकार के होते हैं, देख रहे हो, ये खांचे हैं इसके अंदर, ये ऐसी मशीन लगा देते हैं कंप्रेस होकर निकल जाता है, ये खांचे हैं, ये देख रहे हो ना, ये खांचे इसके अंदर ये भर दिया जाता है इस टाइप से, प्रेस करेंगे फिर हटा देंगे तो खांचे, ये खांचे मोल्ड होते हैं, ये मोल्ड यानी सांचे, जैसे गुजिया बनाते हैं सांचों में, उसे मोल्ड कहते हैं, क्लियर है। अब इसी तरह ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड, ऑटोमेटिक खुद से काम होगा, द ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड इज फास्टेस्ट मेथड, मशीन है खुद से बना रही है तो सबसे फास्ट तरीका होगा फॉर द बल्क प्रोडक्शन, जब एक साथ बहुत सारा हमें बनाना है, ठीक है। ऑल द प्रोसेस फ्रॉम मिक्सिंग, फिलिंग, मिक्स करना, फिल करना, इजेक्ट करना, बाहर निकालना एंड मोल्डिंग आर टोटली ऑटोमेटिक, पूरी प्रोसेस मिक्सिंग से लेके उस मोल्ड करके सपोजिटरी बनाने से लेके बाहर निकालने तक सब कुछ क्या रहेगा, ऑटोमेटिक होता है। ड्यू टू हाई स्पीड प्रोडक्शन, हाई स्पीड प्रोडक्शन की वजह से द प्रोडक्शन आउटपुट 5,000 to 10,000 सपोजिटरीज पर आवर, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन का हाई होता है, तो एक घंटे में 5,000 to 10,000 सपोजिटरीज तैयार हो सकती हैं। बाय ऑटोमेटिक मशीन द एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर कलेक्टेड एंड रीयूज्ड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सपोजिटरीज, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक मशीन है, जो एक्स्ट्रा मेटेरियल बच जाता है वो वापस से कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको वापस से रीयूज कर लिया जाएगा, वापस इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन के लिए अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज एरियाज आर रिक्वायर्ड, अब ऑटोमेटिक है तो मशीन चाहिए होगी, रॉ मेटेरियल के लिए अलग जगह चाहिए होगी, तो काफी ज्यादा रॉ मेटेरियल चाहिए होता है और स्टोरेज एरिया, अब मशीन के लिए अलग, रॉ मेटेरियल भी लाए हैं बहुत सारा उसके लिए अलग, तो एरिया तो भाई चाहिए होगा, ठीक है। सपोजिटरी मोल्ड मैंने यहाँ दिखा दिए। फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ईच सपोजिटरी मोल्ड हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 6 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए इसके अंदर, ठीक है ना, 6 से लेकर 12 खांचे हो सकते हैं और हम लोग एक बार में 6 से 12 सपोजिटरी तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल और बल्क प्रोडक्शन सपोजिटरी, अगर बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पे हमें तैयार करना है, मोल्ड्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस 1,000s of सपोजिटरीज इन ए सिंगल टाइम, एक बार में 1,000s of सपोजिटरीज बन सकती हैं अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें बनाना है, जैसे कि ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड था हमारे पास, क्लियर है। पैकेजिंग और स्टोरेज की बात करें बेटा अगर, तो नॉर्मली सपोजिटरीज आर पैक्ड 1 by 1, एक एक करके हम उसे पैक करते हैं, एक साथ पैक नहीं होंगे, इन अ प्लास्टिक और अल्मीनियम फॉइल, या तो प्लास्टिक की फॉइल में करेंगे या अल्मीनियम की फॉइल में करेंगे। मोस्ट ऑफ द सपोजिटरीज आर स्टोर्ड इन कोल्ड प्लेस, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मिल जाएगा 37 डिग्री तो पिघल जाएंगी, तो इसलिए इसे ठंडी जगह पर रखा जाता है टू मेंटेन देयर प्रॉपर साइज एंड शेप, पिघल जाएगा और शायद मान लो पिघल गई और उसका शेप बिगड़ गया, फिर ठंडा कर दिया हमने, शेप बिगड़ गया है कुछ, ठीक है ना, तो इंसर्ट करने मान लो टॉर्पिडो शेप की थी इस टाइप से, सपोजिटरी हमारी ऐसी थी, ये पिघल गई, पिघलने के बाद ये कुछ ऐसी होगी मान लो, ठीक है, तो अब क्या है इसको इंसर्ट करने में दिक्कत है, फिर पिघलने के बाद ठंडा कर दिया तो बंद तो गई है वापस है, लेकिन ये इंसर्ट कैसे होगी, रेक्टम में जाएगी नहीं इजीली, ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड, फ्रिज की जरूरत पड़ती है हमें, रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। इन द केस ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल सपोजिटरी, जिसके अंदर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है, रूम टेम्परेचर इज इनफ, 25 डिग्री का टेम्परेचर काफी है फॉर स्टोरेज एंड अ रेफ्रिजरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वाली सपोजिटरी है तो हमें बहुत ज्यादा ठंडा रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, बात समझ में आई। टेस्टिंग ऑफ सपोजिटरी, अब खुद सोचो सपोजिटरी की टेस्टिंग में क्या करेंगे, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, क्या सारी सपोजिटरी का वेट एक समान है, एक तो उसका टेस्ट हो जाएगा, दूसरा मेल्टिंग रेंज, ये तो बहुत जरूरी है,
क्या बॉडी का 37 डिग्री पाने के बाद क्या वो पूरी तरीके से पिघल जा रही है कि नहीं पिघल रही है? भाई बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो तो उतना ही है, और अगर उसमें पूरी तरीके से पिघल नहीं रही है तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान उनका वेट है या नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, इन दिस टेस्ट द वेट मेजरमेंट इज डन फॉर दो सपोजिटरीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम मोल्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट। सबका जिसको एक ही तरह एक ही सांचे में जो बनी होती है उनका वेट हम मेजर करते हैं रैंडम कि वेट बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मेल्टिंग में हम दो तरीके देखते हैं, मैक्रो मेल्टिंग रेंज। मैक्रो मेल्टिंग क्या होता है, हेयर द टाइम इज मेजर्ड दैट टेक्स फॉर द एंटायर सपोजिटरी टू मेल्ट वन इमर्ज इन ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इन द वाटर बाथ। कितने देर में कितने समय में पिघल जाती है, दैट इज मैक्रो। माइक्रो मेल्टिंग रेंज, हेयर द मेल्टिंग रेंज इज मेजर्ड इन कैपिलरी ट्यूब्स फॉर द ऑयली और फैट बेस ओनली। मेल्टिंग रेंज किस हद तक वो मेल्ट हो रही है, कितने समय में पूरी मेल्ट हो जा रही है, किस हद तक मेल्ट हो रही है, ठीक है ना। तो एक माइक्रो आ गया, एक मैक्रो मेल्टिंग रेंज आ गया। क्लियर है बातें, समझ में आई? गुड, तो यही था हमारा आज का लेक्चर और ये हमारा टॉपिक यहां पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो टॉपिकल प्रिपरेशन बेटा हमारे यहाँ खत्म हो जाता है, नेक्स्ट अपने पास जो ईयर और नेजल प्रिपरेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, पीडीएफ का लिंक लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके निकाल लो, और ये मेरा फोन नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कॉल कर लें। दिस इज द ऐप जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और सबसे जरूरी चीज क्या करना है, रिविजन करना है, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।